नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मुझको एक जन्मपत्री मिली है, तो वो जन्मपत्री लगा के देखते हैं। ये जन्मपत्री आपके सामने है, देखते हैं जन्मपत्री क्या कहती है। तो ये आपके पास सामने जन्मपत्री है, ये इसके अंदर सन और वीनस जो है कंजंक्शन में है। सन 10 डिग्री का है, वीनस 13 डिग्री 48 मिनट का है। इसका मतलब वीनस कंबस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सो कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस आदमी के पास कोई लग्जरी नहीं है। लग्जरी का मतलब हो गया बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी कार तो आजकल हर मिडिल क्लास के पास है, ठीक है। गरीब तो कार ही देख ले पूता, तो क्या कार ही नहीं है, क्योंकि 3-4 डिग्री का फर्क। इस बेचारे के पास कोई अच्छा घर नहीं है रहने को। घर है तो घर के अंदर जो है लग्जरी, लग्जरी का मतलब हो गया कोई एसी नहीं लगा हुआ, कोई उसके अंदर बढ़िया गद्दे वद्दे नहीं लगे हुए, कपड़े बेचारा गरीबी गरीब तरह से पहनता है। इसके पास कोई ब्रांडेड घड़ी नहीं है, इसके पास कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं है, जीन्स नहीं है, पैंट नहीं है, शर्ट नहीं है। इसके पास हो सकता है बीबी भी ना हो, बीबी हो तो उससे बनती नहीं है। ये बच्चा जो है पंखा भी नहीं है इसके पास, ये बहुत गरीब आदमी है। इसके पास क्योंकि वीनस कंबस्ट है, वीनस जो है देखो सन से 4 डिग्री के अंदर कंबस्ट है, डीपली कंबस्ट है, ये बड़ा गर्क है इस वीनस का। इस बेचारे के पास लग्जरी नहीं है। अब देखते हैं ये बच्चा है कौन। ये बच्चा जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973, 2:25, ठीक है। और इसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है मुंबई। ये है जी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, राज्यसभा के मेंबर आज हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट हो या ना हो फर्क ना पड़ता, बट राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। अब इनके पास लग्जरी नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी लग्जरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर के पास लग्जरी नहीं है भाई। अब हो सकता है ये टाइम ऑफ बर्थ गलत हो, डेट ऑफ बर्थ तो यही है, सारी दुनिया मना रही है। फेसबुक पे जब 24 अप्रैल आता है तो भर देते हैं, आ जी तेंदुलकर जी हैप्पी बर्थडे है जी, हैप्पी बर्थडे है जी, ए फलाना है जी हैप्पी बर्थडे, ढिमकाना हैप्पी बर्थडे, ट्विटर भरा पड़ा होता है जी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मतलब डेट ऑफ बर्थ तो यही है, टाइम ऑफ बर्थ गलत भी है। तो वीनस तो 4 ही डिग्री के अंदर है ना भाई। तो फिर भाई ये क्या हो गया, ये कैसे जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंबस्ट का फॉर्मूला फेल हो गया। वो तो कहते हैं कि अगर कंबस्ट प्लैनेट होगा तो उस ग्रह के अंदर नहीं आएंगे। लो अल्लो बात, तो यहां से शुरू किया हमने आज का वीडियो। और फिर अब जो लोग आए हैं उनको वेलकम कर लेते हैं। 1A5 MK जी नमस्ते सर, कबूतर हाजिरा लाओ बोलो, कबूतर कौन है जी। तानिया जी राम राम, संशय जी राम राम जी, गोपाल पात्रा राम राम जी, एस्ट्रो जी नमस्ते, नीरज मलिक राम राम जी, थैंक्स फॉर टेकिंग द मेंबरशिप, अर्चना जी गुड इवनिंग, हरमनदीप सिंह जी प्रणाम, विवेक जी प्रणाम जी, अभिषेक थैंक यू, विवेक जी थैंक यू फॉर टेकिंग द मेंबरशिप, मनप्रीत सिंह जी नमस्कार, राधिका कुमार जी स्वागत है, विवेक पारी जी स्वागत है, विकास कुमार जी नमस्ते, अचल जी नमस्ते, संतोष यादव जी ने भी मेंबरशिप लिया, जिन्होंने मेंबरशिप लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेंबरशिप लीजिए, मेंबरशिप लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा, क्योंकि हमें पैसे आएंगे गांधी जी वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जब मेरा वीडियो खोलेंगे तो वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन लगेगा मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा ज्वाइन दिस चैनल एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप प्रीमियम स्पेशल टॉप मेंबरशिप सब खुल जाएंगे। इनमें से कोई भी मेंबरशिप जैसे आपकी इच्छा आप ले सकते हैं। मेंबर्स का हम ख्याल रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, एक तो वीडियो जब लाइव चल रहा होगा उस समय भी, अदरवाइज भी। नवल करवा जी राम राम जी, सुरेश शाह जी बहुत बहुत नमस्कार। क्यों ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखें इसलिए हम उनका ख्याल रखेंगे जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम है कंबस्ट प्लैनेट्स।
अभी हमने देखा जो तेंदुलकर जी का जो है वो वीनस कंबस्ट है, और तेंदुलकर जी का वीनस कंबस्ट है, उसके बाद भी उनके पास माल तो अच्छा है। माल तो अच्छे का मतलब ये हो गया कि उनके पास लग्जरी तो बढ़िया है। फिर जब उनके पास लग्जरी बढ़िया है तो फिर ये मामला गड़बड़ हुआ क्यों? ठीक है, अब इसका आंसर तो पैतिक वाले दे सकते हैं, मुझे पता नहीं है। अब जो है एक और चार्ट देखते हैं जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कंबस्ट प्लैनेट्स का और चार्ट देखते हैं। और चार्ट देखने के लिए चलते हैं हम राजीव गांधी जी की जन्मपत्री के ऊपर। राजीव गांधी की जन्मपत्री देखेंगे तो ये हमें मिलता है, ये देखिए आप, खुलता है हमारे पास जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वर्ल्ड प्रीमियर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जर्नल, प्रीमियर जर्नल खुलती है। प्रीमियर जर्नल कहती है कि जो राजीव गांधी जी हैं वो 14 दिसंबर 1946 को पैदा हुए थे। ठीक है, 14 दिसंबर 1946 को पैदा हुए। अब 14 दिसंबर 1900 नहीं, ये संजय गांधी पैदा हुए, सॉरी, जो राजीव गांधी जी पैदा हुए थे 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए थे, 20 अगस्त 44 को। ठीक है, तो पैदा हुए थे तो उनकी जो असेंडेंट है लियो, ठीक है, और ये इन्होंने क्या रखा, 29 अगस्त 1957 स्कॉर्पियो, 20 अगस्त 66, अच्छा ये चार दशा लिखी, ओके एनीवे डजंट मैटर। 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए, 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए तो उनका जो असेंडेंट है वो है लियो। टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने बताया 8:11:40, और इनके लगन के अंदर सन जुपिटर मून वीनस मरकरी सारे। ठीक है, तो हम इनकी जन्मपत्री बना लेते हैं अपने तरीके से, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इनकी जन्मपत्री ये हमने लगाया 20 अगस्त 1944, तो टाइम था जी 8:11:40, 8:11:40, तो बॉम्बे ये बता रहे हैं। बड़े ये अजीब सी बात है, 8:11:40 टाइम कहाँ से लाए, चलो एनी वे डजेंट मैटर। अब ये देखते हैं जी कि सन जो है 3 डिग्री 21 मिनट, मैंने कोई गलत गड़बड़ कर दी क्या, 2044 में आ गया। ओहो, 1944 करना था, 1944 कर देते हैं, ये हो गया जी 1944, वॉर टाइम फ्रैक्शन आ गया। तो असेंडेंट इज लियो 1449, सन मून वीनस मरकरी जुपिटर जो है ये कंजंक्ट है, तो ये सारे प्लैनेट कंजंक्ट है, और सन जो है वो 3 डिग्री 54 मिनट का है, मून 17 डिग्री है, मरकरी 28:39 है, जुपिटर 12:17 है। तो जुपिटर जो हो गया वो गड़बड़ हो गई, जुपिटर जो हो गया कंबस्ट हो गया। इसका मतलब राजीव गांधी जी के अंदर विजडम नहीं थी, लव कल लोभा, विजडम ना होने के बावजूद भी ये जो है राजीव गांधी जी जो है ये प्रधानमंत्री बन गए, और जो है बाकी तो कहना नहीं है कि जिसका जुपिटर ऐसा है कंबस्ट है, उसका बंटाधार है, सत्यानाश है, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री रहा, और उसने आज तक के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें पाई, रीजन चाहे कोई भी हो, कर लो बात। ठीक है, वैदिक ज्योतिष पढ़ना मतलब गूं खाना हो, ये तो मैं नहीं कहता सर जी, एनीवे और लोगों को जी जो आए हैं हमारे गेस्ट उनको भी वेलकम है जी, अरविंद रामा जी वेलकम है, दिनेश कुमार जी, रवि श्रेयास, राम राम है जी, विकास बख्शी जी राम राम, सुरेंद्र जी पनीर वाव जी नमस्ते, अविनाश कुमार जी, सुरेंद्र जी, प्रदीप कनुगा जी, सबको जी जय गुरुदेव है जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये अब निकालता
ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कंबस्ट प्लांट्स पे, तो मैंने लिखा था इसके अंदर ये लग्जूरियस लाइफ इज इक्वल टू कंबस्ट प्लैनेट वीनस। किन किन का कंबस्ट वीनस है जी? आमिर खान का 14 मार्च 1965 में पैदा हुए, इनका कंबस्ट वीनस है। मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, राकेश झुंझुनवाला, रतन टाटा, रेखा झुंझुनवाला, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का तो चार्ट हमने देख लिया, आमिर खान को भी देख लेंगे, मुकेश अंबानी जी को भी देख लेंगे, राकेश झुंझुनवाला तो आपको सबको पता ही होगा, रेखा झुंझुनवाला उनकी वाइफ है, तो अब देख लो कर लो बात। अब आ जाते हैं जी, एक और चार्ट है, बड़ा पॉपुलर चार्ट है, उसके अंदर वैदिक ज्योतिष वाले जो है टेंशन में रहते हैं। मतलब टेंशन टेंशन क्या रहती है जी, कि चार प्लैनेट सन मार्स मर्करी वीनस एट्थ में, और वो बहुत बड़े स्टार बन गए, और साथ में वो ये भी ये तो डिस्कस कभी नहीं करते कि सन जो है उसकी डिग्री है 24 डिग्री, मार्स की डिग्री है 22 डिग्री, 2 डिग्री का फर्क है, ठीक है। मरकरी की डिग्री है 23 डिग्री, ठीक है, और वीनस की डिग्री है 15 डिग्री। सारे ही कंबस्ट हैं मार्स मरकरी वीनस, तो इस आदमी के पास ना तो लग्जरी है, मरकरी इसका इतना डीपली कंबस्ट है तो मतलब ये बोल नहीं सकता, और मार्स है इसका इतना कमजोर है तो ये आदमी तो सीधा भी नहीं खड़ा हो सका। वो ये आदमी जो है तकरीबन 80 साल हो गया, आज भी ये बादशाह है मुंबई बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का नाम है अमिताभ बच्चन, 11 अक्टूबर 1942। अब कर लो बात, ये कर लो बात, कर लो जिजे को करनी है भाई, कर लो बात, ठीक है। अब एक अजीब चीज पे आ जाते हैं, इनका नाम है जी डोनाल्ड ट्रंप, 14 जून 1946, ठीक है, गलत ना डाल रहा हूँ तो मैं आपको गूगल पे दिखा भी सकता हूँ, गूगल भैया से पूछो, गूगल भैया जी बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप जी की बर्थडे कब है, बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बर्थडे, ठीक है, 14 जून 1946, परफेक्ट। अब हमने बनाई 14 जून 1946 की हॉरोस्कोप, ठीक है, उसमें सन जो है वो राहु के साथ कंजंक्ट है, 27 राहु है, 29 जो है सन है। अब यहाँ तो कई गड़बड़ गड़बड़ क्या होगी, यहाँ सन जो है वो एक्लिप्स हो गया, ये कहते हैं भाई तुम्हारा सूर्य तो कंबस्ट हो गया, सूर्य कंबस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी देश की कोई बड़ी पदवी पा नहीं सकता, सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट तो बना है, बोलो अब इससे बड़ी क्या पदवी मिलेगी, सबसे पावरफुल पोस्ट है वर्ल्ड की, अमेरिका का राष्ट्रपति जो होगा सबसे पावरफुल है। अब ये बता रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले, बताओ भाई कि क्यों अब जो है ऐसा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जी का सन जो है कंबस्ट हो गया, और वो कैसे बन गए भाई प्रेसिडेंट अमेरिका के, बता दो, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जैसी तो ताकतवर औरत कभी रही नहीं हिंदुस्तान के अंदर, और एक टाइम पे शी वॉज दी मोस्ट पावरफुल लेडी ऑन अर्थ, 19 नवंबर 1917, ठीक है, 1917, ठीक है। अब इनका भी देखते हैं, सन मरकरी के साथ है, सन मरकरी मरकरी कंबस्ट है, तो बेवकूफ थी तो अकल तो थी नहीं उनके पास। अब कोई जो है बोलते रहे यार कि बुध को दोष नहीं लगता कंबस्ट नहीं होता, वो तुम जानो यार, हमें नहीं पता, हमें तो कि सन के साथ जो प्लेनेट है हमने तुम्हें दिखा दी भाई, ठीक है। अब योगी जी को दिखाते हैं, ठीक है, योगी जी, ठीक है।
योगी जी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 72, ठीक है। तो प्लेस कोई भी हो, टाइम कोई भी हो, डजेंट मैटर। सन मरकरी और शनि के साथ है, ठीक है। तो मरकरी कमस्ट है, डीपली कमस्ट है, 21 डिग्री सन है, 22 डिग्री मरकरी है, शनि जो है 17 डिग्री है, 4 डिग्री का फर्क है। तो योगी जी में बुद्धि की कमी नजर आती है, मैथमेटिक्स तो उनका है नहीं, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स बीएससी की थी, ठीक है। 2 मई 1921, अभी मैं बाद में बताऊंगा किसकी है। 2 मई 1921 सन के साथ है मरकरी वीनस के, तो सन है 19 डिग्री, मरकरी है 10 डिग्री, वीनस है 3 डिग्री, ठीक है, और केतु है 4 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यह है कि केतु ने सन को तो कंबस्ट कर दिया, और केतु ने हो सकता है बाकी को कंबस्ट कर दो, क्योंकि ये वैसे तो लिमिनरियों को कहते हैं कंबस्ट करना, ठीक है। तो सन कंबस्ट हो गया, केतु ने सन को कंबस्ट कर दिया, ठीक है जी। 2 मई 1921, ठीक, ये मैं आपको, ये हो गया जी 2 मई 1921, और उसको बन गया सन मरकरी वीनस के तो इकट्ठे हैं। सन जो है 19 डिग्री है, मरकरी जो है 10 डिग्री है, वीनस 3 डिग्री है, केतु 4 डिग्री है, ठीक है। कंबशन होगी, ये तो बोलेंगे जी पंडित जी, तो बोलेंगे पंडित जी डिग्री भी नहीं देखते हैं, वो तो है जी, ये तो हो गया जी इक्लिप्स, ठीक है। अब ये देखते हैं जी, ये किन की है जी जन्म पत्री, मतलब डेट ऑफ बर्थ किन की है, ठीक है, देखते हैं जी। आ जाओ जी, लिखते हैं सर्च बार में, लिखते हैं गूगल, यहाँ लिखते हैं जी मेजर जनरल जैकब डेट ऑफ बर्थ, लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल जैकब पीवीएसएम। तो मेजर जनरल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने दुनिया का मतलब अपने समय का सबसे बड़ा जो काम किया, और इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा काम किया, तब वो मेजर जनरल थे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए होंगे, तभी इसमें लेफ्टिनेंट जनरल लिखा। 2 मई 1921, तो इनका सन जो था एक्लिप्स था, कंबस्ट था। तो इन्होंने जनरल नियाजी को मजबूर किया था हथियार डालने के लिए 1971 के अंदर, इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर अकेले चले गए थे पाकिस्तान की छावनी के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान तब जो था बांग्लादेश, ये उनके साथ सिर्फ एक सोल्जर था, उनके पास सिर्फ एक रिवॉल्वर थी, उन्होंने कहा यू हैव टू सरेंडर। उसने मतलब अपनी छावनी में बैठे वहां के लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे मेजर जनरल ने मजबूर कर दिया हथियार डालने में, ले लो मुझे पाजी, ठीक है। अब लो एक और ट्राई करते हैं, ये आ गए जी, यहाँ खोलता हूँ मैं अपना डेटाबेस, तो इसके अंदर है जी सेलिब्रिटीज फिल्म स्टार्स, फिल्म स्टार में जे डाले नहीं, सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटी नहीं समझ में आया था, हाँ ये जॉन ट्रिवोल्टा 1854। लो जी सन मरकरी वीनस, तो मरकरी जो है सन से दूर है, क्योंकि तो सन 6 डिग्री का, मरकरी 22 डिग्री का, लेकिन वीनस कंबस्ट है, ठीक है। तो जॉन ट्रिवोल्टा, जिन्होंने नाम नहीं सुना वो अपना गूगल शूगल करके देख ले, भाई जॉन ट्रिवोल्टा भी के पास जो है कोई लग्जरी नहीं थी, अब कर लो बात, ठीक है। अब मधु जी कहती हैं जी योर एक्सप्लेनेशन इज टॉप नॉच, यू हैव टू एक्सप्लेन क्लियरली नॉट इन अ फिल्मी वे डायरेक्ट। तो फिर कैसे करें जी, आप जैसा बताओ वैसे करूं, मुंह ऐसे
देखिए आप ये ऐसे करे करूँ, अब जो इस तरह से करूंगा भाई, मैं अपने तरीके से करूंगा ना दीदी, ठीक है। इसी फेमस पहेली कुंडली विश्लेषण करके वीडियो सीरीज बनाओ, काफी इंटरेस्टिंग होगा वो सीरीज। हाँ वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम दूसरी चीज कर रहे हैं लाइव में, ये करते हैं कि बस्टिंग द मिथ्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। दैट इज वन ऑफ अवर मेन ऑब्जेक्टिव, ब्रेकिंग न्यूज। वैदिक ज्योतिष के अनुसार के नहीं, ब्रेकिंग न्यूज, अमनप्रीत जी लिख रहे हैं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार में श्री उमंग तेजा जी की वजह से छाया सन्नाटा, कम्बस प्लैनेट के लेकर आए सच सामने, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आए गुस्से, लेकिन जवाब है नहीं कई। ये देखो है नहीं है जी, इसका कोई जवाब नहीं है मनप्रीत जी, जो मर्जी करते रहे इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। विवेक पारेख जी जो है बोल रहे हैं जी सुरेंद्र जी को कि भाई अमिताभ बच्चन जी का टाइम ऑफ बर्थ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी टाइम ऑफ बर्थ से, क्योंकि हम तो ये इस समय देख रहे हैं कि भाई जो कंबस्ट प्लैनेट है उनका क्या, तो सही वाला तो देख ही लेंगे, ठीक है। तो वो सुरेंद्र जी बता देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी का हमारा कोई इशू नहीं है, अभी हमारा सिर्फ ये बताने का इशू है कि कंबस प्लैनेट कुछ नहीं होते, ये सिर्फ टाइम खोटी है, सारी दुनिया अपना समय खराब कर रही है, ठीक है। अब कैसे समय खराब कर लिया है तो आप देख सकते हो, अभी हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब आप लोग कोई भी जो नया आदमी होता है ज्योतिष में, वो क्या करता है बेचारा, वो गूगल खोलता है और ऐसे लिखता है कंबस्टन ऑफ प्लैनेट वैदिक, ऐसे लिख देता है। जब ऐसे लिख देता है तो उसको कोई ना कोई जो है यहाँ पर सर्च में आंसर मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई ना कोई टॉप के ऊपर कोई ना कोई साइड मिल जाएगी जो बताएगी कि भाई कंबस्ट प्लैनेट क्या करेगा, क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। कंबस्ट प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी, टॉक एस्ट्रो, टॉक टू एस्ट्रो। टॉक टू एस्ट्रो क्या कहते हैं, टॉक टू एस्ट्रो कहते हैं कि इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी व्हेन अ प्लैनेट गेट्स क्लोजर टू सन, इट इज नोन एज कंबस्टन। द सन इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, एनी प्लैनेट मूविंग क्लोज टू सन विल लूज इट्स एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस, वो एनर्जी और इन्फ्लुएंस को लूज कर देगा। वो हम अभी बात में करेंगे, एनर्जी और इन्फ्लुएंस कैसे लूज करेगा, ये जो लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये लिखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लैनेट गेट्स कंबस्ट, तो मरकरी जो है कहते हैं 12 डिग्री तक होता है कंबशन में, इट सिग्निफाइज इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट देयर फॉर ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ मरकरी पर्सन इंटेलिजेंस डिक्लाइंस, उसकी इंटेलिजेंस कई खड्डे के अंदर, तो होगी बात कि योगी जी की जो इंटेलिजेंस खड्डे में चलेगी और वो बाहर नहीं आएगी कभी, ठीक है, गई खड्डे के अंदर। लॉ जी, वीनस, द कंबशन ऑफ वीनस टेक्स प्लेस विद इन 8 डिग्री, वीनस सिग्निफाइज टू लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, देयरफॉर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंबशन व्हेन ईगो टेक्स ओवर द प्लेस इन माइंड द पर्सन टेंड्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एनर्जी एंड एफर्ट्स इन रिलेशनशिप एंड लव इंटरेस्ट अननेसेसरली। वैसे तो इसका मतलब कोई निकला नहीं, बट मेनली क्या है कि हमने जो भी देखा उस हिसाब से सचिन तेंदुलकर का तो वीनस कंबस्ट है, तो उनकी तो मैरिड लाइफ, वेरिड लाइफ सब बढ़िया चल रही है, बाकी भी सब ठीक है। द कंबशन ऑफ सैटर्न टेक्स प्लेस विद इन 15 डिग्री, ठीक है। द पर्सन थिंकिंग दे कैन अचीव एनीथिंग टाइम ड्यू टू दिस ईगो, दे डू नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन इवन टाइम इन टू देयर वर्क, ठीक है। अब ये पढ़ते रहो, अब ये हो गया जुपिटर, जुपिटर कंबशन, जुपिटर 11 डिग्री में, ठीक है। तो व्हेन सैटर्न गेट्स कंबस्ट, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया, जुपिटर लिखना चाहिए था। जुपिटर, देयर ईगो ओवर पावर देयर सैनिटी सो मच दैट दे स्टार्ट फीलिंग लाइक दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड विदाउट एनीवनस हेल्प और गाइडेंस, ठीक है, ऐसा वो लिखते। तो बुद्धि मतलब विजडम खत्म हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्या लिख दिया अल्लाह मालिक है। अब लेकिन ये जो जो इन्होंने ये लिखा है, सिंस द सन इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एनी प्लैनेट मूविंग क्लोज टू द सन विल लूज एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कोई प्लैनेट सन के पास चला गया तो उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी। भाई कौन सी एनर्जी लूज कर दी, तो प्लैनेट की कौन कौन सी एनर्जी है, तो प्लैनेट की जो सबसे पावरफुल एनर्जी होती है दैट इज इट्स ग्रेविटेशनल पुल। तो कोई अगर प्लेनेट जो है अर्थ से हम अगर देखेंगे और वो सन के पीछे है, सन के पीछे है तो सन के क्लोज तो नहीं आया, हमें नहीं दिख रहा,
हमें क्लोज दिख रहा है, सॉरी हमें नहीं दिख रहा, नहीं हमें क्लोज दिख रहा है सन के, बट वो तो अपने उसी डिस्टेंस पे, तो क्योंकि हमें क्लोज जो है दिख रहा है इसलिए उसकी पावर लूज होगी, ये तो गहन मूर्खता की बात है। ठीक है, तो दूसरा है उसकी ग्रेविटेशनल पुल तो खत्म हो नहीं सकती। उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या है, उसका वेट, उसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल है, वो तो खत्म होगा नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर सनलाइट तेज है तो मोमबत्ती की लाइट किसी काम की नहीं आएगी, ये बात भी समझ आएगी। लेकिन आप वो मोमबत्ती अगर जला के उसके ऊपर हाथ रख दोगे तो हाथ तो जलेगा ना, हाथ तो जलेगा। तो आप बोलो जी वो लाइट कुछ काम नहीं करे लेकिन हीट तो आ रही है भाई, तो इसका मतलब उसका उसकी लाइट आ रही है, आपको नहीं दिख रही बात अलग है, उसका रिजल्ट दोनों आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल भी आ रहा है, लाइट भी आ रही है, दिख नहीं रही बात अलग। तो ये जो लिख रहे हैं ये जाने क्यों ऐसा लिखते हैं, और आप कहीं भी जाओगे तकरीबन तकरीबन यही चीज लिखी मिलती है, सन इज वेरी पावरफुल एंड गिव सो मच एनर्जी that anything which is close to sun does not seem to appear. For instance, the planet Venus is symbol of love and romance. If Venus is strong, you will very soon find your life partner and get married. However, if Venus is closer to sun, it will lose its strength. The movement will actually affect your love life. ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जी आपकी लव लाइफ खत्म हो चुकी है। ठीक, चलो, sun is also symbolic of ego. Therefore, if ego rises, the person will start think to good of themselves, they will start thinking they are good at any everything and they are too intelligent, no one is at par with them. This thought will negatively affect their reputation at work as well as their relationships. ठीक है, चलो जो मर्जी लिखते हो भाई, हमने तो बतेरी एग्जाम्पल दे दी जिसके अंदर क्लियर कट है कि भाई कम्बस्ट प्लैनेट जो हो गए रिजल्ट उसमें टॉप क्लास आ रहे हैं, वीनस अगर कम्बस्ट है इससे ना तो मैरिड लाइफ का कुछ लेना देना भाई, ठीक है, और ना मतलब भी नहीं था बस, ना उसका मैरिड लाइफ से कुछ लेना देना, ना उसकी लग्जरी से कुछ लेना, ठीक है। ये बात और हो सकती है कि भाई जो है ये आर्गुमेंट हो सकता है एक आधा केस के अंदर कि भाई जो आमिर खान है उसका वीनस कंबस्ट है, तो आमिर खान के वीनस कंबस्ट होने से आमिर खान की भी तीन शादी हुई है, कितनी हुई है, दो हुई है, जितनी हुई, चल कोई बात नहीं। पर मुकेश अंबानी की एक हुई, अमिताभ बच्चन की एक हुई, राकेश झुंझुनवाला की एक, रतन टाटा की बेचारे की हुई है ना, तेंदुलकर की भी एक हुई, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, और जिनकी इनकी है तो बढ़िया चल रही है, तो इसका मतलब आमिर खान की इतनी सारी हुई है, वो रीजन भी हो सकता है, और लग्जरी इन सबके पास ज्यादा है। और बाकियों की हमने जिनकी देख ली भाई, जैसे योगी जी का मरकरी कंबस्ट है, तो देख लो आप बुद्धि, देख लो उनकी आपके सब सामने है, तो ये सब जो है मामला गड़बड़ा है। और राहु सन के साथ हो तो सन विल लूज इस जो है वैल्यू, बहुत बेकार की बात है। ठीक है, हरीश धीमन जी 61 वाले एडवांस कोर्स से पहले कोई कोर्स करने की जरूरत तो नहीं होगी। हरीश धीमन जी कई बार सवाल पूछ चुके हैं, कई जवाब भी दे चुका, अब आपको जवाब अगर समझ में आना ही नहीं तो फिर मैं भी सर क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सी ए PhD कर लूँ तो मैं बेशक अनपढ़ हूँ, मेरे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है ना, BA करने की जरूरत नहीं है ना, MA करने की। अब बताओ भाई सब, मैं आपको क्या बोलूँ यार, मैंने आपको लिखा है कि जो जो कोर्स हैं उनकी मेरे साइट के अंदर सिलेबस और कोर्स की फिर लिखी हुई है। अब आपको इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती, मेरे समझ से बाहर है सर जी। सत जानो नमस्ते है जी, क्या काल की बुआ। अच्छा सर जी, सब तंत्र है, एवरीथिंग इज तंत्र एज यू सेड अकॉर्डिंग टू काल कपाल महाकाल। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, शकाल की बुआ जी। आचार्य इसलिए इट्स अ रेट्रोग्रेड ब्रांड का भी कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ जी उसकी बना देंगे वीडियो, ठीक है ना, पहले एक तो समझ लो क्योंकि सीधी बात समझ में नहीं आती भाई साहब, ये जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं वैदिक ज्योतिष में सब बकवास है, इस तरह सी बात समझ में नहीं आती, इसलिए एक एक करके चीजों को बर्बाद करना पड़ता है, आके वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक है ना, तो आज कंबस्ट को बर्बाद होता देख लो, इसका मतलब हो गया कंबस्ट ब्रांड कुछ नहीं होता,
कुछ नहीं होता का मतलब है कम्बस्ट प्लैनेट तो होता है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। और उसके बड़े सारे वीडियो हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन उसका रिजल्ट जो है पूरा आएगा, कोई मतलब नहीं है कि प्लैनेट कम्बस्ट हो गया तो वो अपनी दशाओं में या ट्रांजिट में रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका जी कह रहे हैं स्प्राइट बजाय प्यास, बाकी सब बकवास, बल्ले बल्ले। सागर स्पेस जी कह रहे हैं केतु मून का इफेक्ट है सर, केतु वेन पांचवे मून है। तो सागर स्पेस कहने का मतलब है वो बता रहे हैं मैं अमित मनचंदा हूँ, अजय नहीं, अमित मनचंदा कोई और है। अच्छा, वो सागर स्पेस जी अमित मनचंदा की औरस को देखने को कह रहे हैं। अल्लाह जी, तो अमित मनचंदा जी की औरस को आप देख लेना सर, कोई बात नहीं, बात आपकी ठीक है कि केतु मून अगर बल्ले बल्ले हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई हेलुसिनेशन नहीं कुछ नहीं। सर जी आप हरी धीमन जी कुछ नहीं पूछा आपने, आप एक मैसेज डाल देते हो उस पर मैंने आंसर दिया, आपने देखा नहीं भाई साहब मैं क्या कई बार पूछू कहाँ पूछ चुके। आप वीडियो के नीचे एक लाइन लिख देते हो यही वाली, फिर मैं लिख देता हूँ आंसर, आप फिर नहीं पढ़ा तो भाई मैं क्या करूँ, ठीक है ना जी। फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप इधर उधर लिखते हैं, फिर लिखते रहो, ठीक है ना सर जी। आपको सर जी अगर उसके नीचे मैंने भी लिखा, किसी और ने भी लिखा कि भाई पढ़ लो इनसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैंने भी इसके नीचे लिखा कि भी ये जो है भाई साहब गंगा नदी में डुबकी नहीं लगाना चाहते, ठीक है, उसका स्नान नहीं करना चाहते, उसका फायदा नहीं लेना चाहते, बाहर बैठे रहना चाहते हैं, गंगा बाहर ऐसे बहती रहेगी तो अभी वही कर रहे हो आप, बैठे रहो बाहर सर जी, है ना। शकाल की बुआ, सर कल सपना आया आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट होकर उमंग लामा बन गए हो और मैक्लोडगंज में नाड़ी शास्त्री की क्लास दे रहे हो। भाई मैं ये लामा कहाँ से बन जाऊंगा जी, कमाल है, चलो कोई बात नहीं जी। ये तो कम से कम आप क्या ठीक रहा जी कि मेरे को सनातन में ही रखा। अब लावाचार्य जी भी कह रहे हैं इनको भी रिस्पॉन्स चाहिए, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लो मैंने क्यों अवॉइड करना भाई, मैंने तुम्हारा पैसा खाया है मतलब मैंने क्यों अवॉइड करना, लावाचार्य जी मैंने पैसे खाए हैं आप, मैं नहीं तो जवाब दूंगा, कमाल कर रहे सर जी। सर मैंने लिखा था गुरु जी के हाथ थाम लो, हाँ जी सर वो तो क्यों थामेंगे, उनको तो सवाल पूछते रहने। सर मैं भी फ्यूचर में नारी स्लरी पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लो पैसे, हम ज्योति में धरती को क्यों नहीं लेते, अबे धरती पे तो बैठे हैं ना यार, यमो इफेक्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, तो फिर हम ये देखेंगे कि फोर्सेस बाहर से कौन सी आ रही है, ठीक है, और फोर्सेस का रिजल्ट हम पे क्या आ रहा है, तो रिजल्ट आएगा तो हमारे पे, जो हम हुए वो नहीं है, बाकी ग्रह आ ही रहे हैं, ठीक है। गुरु जी बार बार हेडेक की बात अकॉर्डिंग टू समझा नहीं है सर यू सर दैट इन द बुक फॉर हेलुसिनेशन बोध मून केतु शुड शो 6-8-1। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नो सर आई डिडंट से दैट। तो फिर जी फिर क्या कह दिया जी लावाचार्य जी, अब लावाचार्य जी यहाँ पर देखो बात करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ क्या फायदा बात करने का, ठीक। चलो तो दोस्तों अल्टीमेटली फिर यह हुआ कि भाई ये कमस चमस तो कुछ ना हुआ, ये तो या खड्डे के अंदर, और ऐसे जो है आपको अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो ये क्वेश्चन जो है आप कोरा में भी आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वही पता चल जाएगा, या कहीं और ढूंढो। एक और देखते हैं क्लिक एस्ट्रो है, क्लिक एस्ट्रो तो जितने मर्जी क्लिक करते रहो सारे चले हुए पड़े, ठीक है। अब ये कहानी लिखे जा रहे हैं इसलिए जी एक्यूरेट रेयरली रॉन्ग, तो भाई आप प्रूव करो ना, ठीक है। वेदाज आर दी बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, भाई कौन से वेद में एस्ट्रोलॉजी है, वेदास, वेदास लिखने से क्या पता, एक वेद बता दे जिसमें एस्ट्रोलॉजी, वो ना पता, ठीक है। शनि वॉज ब्लैक एंड सन डिसलाइक्ड हिम, अब कहानियां इधर स्टोरी सुनाएंगे, वो जो होती है ना रिजल्ट नहीं बताएंगे, कहानी सुनाएंगे कोई, वो उसमें कहानी में लिखा है पुरानी कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। द मून विल कम्बस्ट व्हेन द मून एंड सन आर विद इन 12 डिग्री, तो यहाँ पर अब काम की बात शुरू कर दी थोड़ी, ठीक है। तो मून कम्बशन नेटिव मदर विल हैव सम सफरिंग एज द मून इंडिकेट्स मदर इन एस्ट्रोलॉजी, लॉजिकल लो बात, ठीक है।
तो अगर आप अमावस्या के आसपास पैदा हुए हो तो आपकी मम्मी को कुछ हो जाए, ये बता क्या बात होगी। ये बात ये होगी चली वाली, ठीक है, कि जब आप 45 साल के हो गए ना तो आपकी मासी या बुआ को भी प्रॉब्लम होगी, ये वही वाली बातें हैं, ठीक। और 45 साल के हो गए जब आप, तो आपकी जाहिर बात है बुआ जो है 70 साल 75 साल की होंगी, मासियां भी इतनी एज की होंगी, तो जब इतनी एज की होंगी तो उनके गोड़े तो दर्द ही होंगे। किसी एक मासी बुआ को होता है डायबिटीज हो, बीपी हो, ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिख दिया सन मून इकट्ठे हो तो सफरिंग एज मून, मतलब जो है नेटिव मदर विल हैव सम सफरिंग, कोई सफरिंग हुई, कोई तो सफरिंग हुई। भाई कौन खुश है, कौन खुश है कि माता जी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम कभी ना कभी तो होगी ना भाई। माता 70 साल की होगी तो कभी तो हॉस्पिटल 75 साल की जाएगी ना। अरे भाई यार कुछ भी लिखते हैं और मस्त लोग हैं यार, ठीक है। मर्करी इंडिकेट्स इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन लॉजिकल थिंकिंग, सम स्कॉलर से मर्करी नेवर कमर्स, सम स्कॉलर कहते हैं इनको नहीं पता। जब तुमको पता नहीं तो फिर तुम क्यों कहते हो कि भी एस्ट्रोलॉजी इज रियली रॉन्ग। जब एस्ट्रोलॉजी को अपना एस्ट्रोलॉजर को रूल ही नहीं पता कि मर्करी कंबस्ट होता है नहीं होता, तो भाई तुम एक चीज लिखो ना फिर, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है, फिर रेयरली रॉन्ग क्यों लिखते हो तुम, ठीक है। चलो जी, मार्स इज द सोल्जर, ठीक है, तो मार्स इज कंबस्ट, मार्स इंडिकेट पावर फिजिकल हेल्थ एंड करेज, तो करेज की लग बच जाएगी बैंड। वीनस वो तो हो ही गया, ठीक है, तो दिस कम्बशन कैन इम्पैक्ट लव अफेयर एंड रिलेशनशिप, सच पीपल ऑल्सो स्ट्रगल टू मेक मनी। लो जी आ गया जी, तो तेंदुलकर जी यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी, अमिताभ बच्चन जी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक मनी, जो मुकेश अंबानी इज स्ट्रगलिंग टू मेक मनी, राकेश झुंझुनवाला इज स्ट्रगलिंग टू मेक मनी। बताओ यार हृदय होगी, कुछ भी लिखते हैं यार ये, कुछ भी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम वेदास एंड दे विल राइट एनीथिंग जो इनके मन में आया। योगी जो अब पीएम बनेंगे तो बन ही जाएंगे ना यार, मैंने देखा नहीं यार, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी शायद, जो मेरे को लगता है कि थर्ड टर्म पूरा करने के एंड में ट्रांसफर हो पावर कर दे। अमित मंजिंदा जी कह रहे हैं कि बौन और शनि अमावस्या 19 मई 85। हाँ तो कोई बात नहीं सर, आप अमित जी आप पैदा हुए हैं, आपकी माता जी को कोई दिक्कत होगी, छोटी मोटी दिक्कत सभी को होगी, तो आपकी माता जी को दिक्कत होगी ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपकी माता जी को कोई स्पेशल कोई दिक्कत होगी जो किसी और को नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है भाई। हरमंदिर जी इज कंट्रीब्यूटिंग 179, ये तो बढ़िया कर दिया हरमंदिर जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है जी, प्लीज जो है कंट्रीब्यूट कीजिए, कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे ठीक है, और बेनिफिट मिलेगा और हौसला मिलेगा, और इस चीज का हौसला मिलेगा कि आप जो है हमारी जो विद्या को या हमारे एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एफर्ट या पैस पैस जब समय लगता है, समय का मतलब हम मनी लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जानमंदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी भी कंट्रीब्यूट करें, वेरी थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन कीजिए प्लीज, आप मेंबरशिप भी लीजिए, बढ़िया जी। शकाल की बुआ कह रहे हैं व्हाट इज योर फेवरेट फूड, सर बड़े सारे हैं, कभी कोई चीज आदमी को अच्छी लगती है खाने में, कोई 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 चीज अच्छी लगती है, फ्रूट तो मेरे को सारी पसंद है, हार्डली कोई ऐसा फ्रूट होगा इंडियन जो मैं नहीं खाता है ना, बाकी जो बाहर के आ गए हैं जैसे वो कीवी ड्रैगन फ्रूट, वो मेरे समझ नहीं आते क्या है ना, बाकी जो जबरदस्त चीज है वो है दाल बाटी चूरमा, उससे बढ़िया मतलब कोई मजा नहीं है जिंदगी का, है ना। विद गॉड्स ग्रेस नो प्रॉब्लम टू माई मदर, बहुत बढ़िया अमित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सर मैं 19 की हूं लेकिन अपने आपने मना किया था, यंग लोग जो सेटल्ड नहीं हुए उनको नहीं सीखनी चाहिए, सो
नहीं, वो पेद्रो मुइलेरो जी, पता नहीं आपका नाम ऐसा क्यों है जबकि आप हिंदी लिख रहे हो, तो आपका नाम पेद्रो मुइलेरो, या तो आप साउथ अमेरिका से हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, वो मैंने इसलिए कहा था, कहा होगा कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी समझ आएगी जब आदमी ना जिंदगी की सच्चाइयां जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, उसके सिर पे आ जाते, तब आता है उसका मजा ज्योतिष। तो जब आपकी शादी हो जावे आप तब सीखोगे तो मजा होगा। अमनप्रीत जी को कंप्लेंट कर रहे हैं, आप क्लास में सिर्फ स्टडी करवाते हो। आई हर्ड यू आर गुड इन वायलिन प्लेयर, इस दिन अच्छी सी महफिल भी बनाई। लो जी, नहीं जी, कोई मैं बढ़िया वायलिन नहीं बजाता जी, वो वायलिन पहले के लिए बजाया करता था, वो बंद हो गई, बच्चे तंग हो गए मेरी वायलिन सुन सुन के। वो कह रहा बच्चा रोता रहता है सारा दिन, जब वायलिन बजाते हैं तो जगह नहीं मिलती बजाने की, तो कई साल से बजाई नहीं है, अब तो मेरे को उठाऊंगा शायद बजाई ना। तो नीड योर हेल्प, योर एनालिसिस ऑफ माई हॉरोस्कोप, आई एम इन डीप ट्रबल। उसके लिए सर जी, वो टीजी जी आप पता नहीं कौन हो, तो ये जो है ऑनलाइन ऐसे नहीं हो सकता ना, वो जो है वो आप प्लीज, वो आप ऐसा कीजिए ना कि आप अलग से टाइम लीजिए। टाइम मेरा फोन नंबर तो सब जगह अवेलेबल है, साइट के थ्रू भी आप जो है बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन, जैसा आप चाहे। वो डीप ट्रबल में ही सर आएंगे लोग, है ना, ऐसे तो आते नहीं। 1A5MK जी, थैंक यू वेरी मच है जी फॉर 117 रुपये जी। सर जी कभी उड़ीसा आते हो तो कटक एक बार घूमने आ जी, वो वेरी जो कटक हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये मेरी पसंदीदा जगह है भाई, आई बिन 4 टाइम्स, है ना। तो फिर मिलेगा टाइम फिर भी आएंगे साथ जाना। केपी सॉफ्टवेयर बता सकते हो सर जी, केपी के सॉफ्टवेयर बता सकते हो? नहीं सर जी, मैं नहीं बता सकता। हाउ टू कनेक्ट, भैया फोन नंबर आया है, गूगल में डालो फोन नंबर, फोन करेगा आ जाएगा, उसमें क्या बात है। ठीक है, मेरी साइट से ले सकते हो, मेरे फेसबुक प्रोफाइल से ले सकते हो, मेरा फोन नंबर ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच जी एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। टुडे इट वॉज अ स्मॉल सेशन बिकॉज दी डिस्कशन वॉज स्मॉल, सो इसमें ज्यादा कोई बात करने वाली नहीं थी, सिर्फ यही दिखाने को थी कि जो मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे या बुक्स में, वो यही कहता है कि कंबस्ट प्लैनेट के रिजल्ट खराब है। कहने का मतलब ये हो गया, जुपिटर अगर कंबस्ट है तो आपकी विजडम की बैंड बज गई, मून हो गया सन के साथ तो मून की बैंड बज गई, तो मून से रिलेटेड जो चीजें होंगी, मम्मी हो गई, जैसे अभी देखा हमने कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मरकरी सन के साथ हो गया तो बुद्धि आपकी घास चरने चली गई, वो हमने देखा ऐसा कुछ नहीं होता। वीनस आदमी हो गया सन के तो लग्जरी चली गई, बीवी के साथ निपटती, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तनु वर्मा जी, सुभाष फ्रॉम USA, फोनिक्स यू आर द बेस्ट सर जी, थैंक यू जी सुभाष जी। स्वागत पे सब मेंबर्स ओनली कमेंट्स कर दीजिए, इट विल गिव मोटिवेशन टू ज्वाइन मेंबरशिप। ये बात भी सही है सर जी, अभी ना जाओ छोड़ के, कह रहे हैं तो दिल अभी भरा नहीं, लेकिन करें क्या सर जी, है ना। पहली टॉक, वो टॉक किस पे करेंगे। ठीक है, सतबीर सिंह जी कंट्रीब्यूटिंग $3.99, थैंक यू वेरी मच है जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, कि हमने देखा जितने बड़े लोग हैं और उनके वीनस कंबस्ट हैं, बड़े लोग मतलब राकेश झुंझुनवाला, उनकी वाइफ, ठीक है, उनके वीनस कंबस्ट हैं, आमिर खान के कंबस्ट है, मुकेश अंबानी का कंबस्ट है, अमिताभ बच्चन का कंबस्ट है, रेखा झुंझुनवाला, खैर वो रिपीट हो गया, रतन टाटा जी का वीनस कंबस्ट है, उसके बाद जो है बल्ले बल्ले है, लग्जरी तो पूरी है ना। तो ऐसा क्यों ये जो है करते हैं जो लोग हैं, जोशी, कि उनको उनके पास सारे ये डाटा अवेलेबल है, डाटा इज अवेलेबल ओ एवरीवेयर ऑन गूगल अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस बिग पीपल, उसके बाद इनके पल्ले क्यों नहीं पड़ती, ये बड़ी जबरदस्त बात है। इसका रीजन है कि कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू ऑथर ऑफ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी।
हाँ सारे बिलियनर्स का बिजनेस कंबस्ट ही होता है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम, और प्लीज दोबारा दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कंट्रीब्यूट टू दी चैनल, राइट। दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेंबरशिप ले सकते हैं, एक नीचे डॉलर का साइन है क्लिक करेंगे तो आप उसमें पेमेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।